मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से हूँ. आज से 16 साल पहले हमने ये शाखा खोली थी, सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन इन दिल्ली, और तब से मैं उसकी देखरेख कर रही हूँ. और पिछले दिनों बहुत चर्चा में आया जब वो करोल बाग का जो रेप केस था ब्लाइंड गर्ल का, एंड वी गेव हर द रिहैबिलिटेशन इन द सेंटर. बट दैट वाज वन केस विच केम इन पब्लिक, यू नो. यहाँ पे दो बहुत बेसिक बातें जो मैं सुबह से सुन रही हूँ सब सेशंस, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थे. जो दो बातें मुझे सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में चल रही हैं, एक कि हर डिसेबिलिटी की अलग नीड है, ये पहले भी बात की गई, और हर डिसेबिलिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं. और दूसरी बात कि जो सेक्सुअल वायलेंस की हम बात कर रहे हैं, क्या हमारे समाज में ये जानकारी है कि सेक्सुअल वायलेंस कहाँ से शुरू होती है. मुझे नहीं लगता ऐसा. मैं बिकॉज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में उन ICCs में NGO से एक महिला का होना प्रेफर्ड रहता है, तो समहाउ बिकॉज मैं वेमेन के साथ काम करती हूँ, बाय नाउ आई एम ऑल्सो अ पैनल मेम्बर ऑन अबाउट 12 कॉर्पोरेट्स in the ICCs. And I must have dealt with about 700 cases till now for last 7 years of sexual harassment at workplace. And the sexual violence against women with blindness, especially because I work with women with blindness, I have been seeing for last maybe 20 years since I started working at National Association for the Blind. वो जो एक definition की बात मैं कर रही हूँ, sexual violence, क्या हमारे समाज में हर एक व्यक्ति को, पुरुष और महिला दोनों को, ये बात मालूम है कि वो बुरी नज़र जो कोई भी किसी और के ऊपर रखता है सेक्सुअली, उसको सेक्सुअल वायलेंस माना जाता है. तो वो बुरी नज़र कहाँ से शुरू होती है, आई डोंट थिंक मैनी पीपल नो. वो जो कॉर्पोरेट्स में इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जब वहाँ वर्कशॉप्स देते हैं तो उनको बोलता है स्टेयरिंग इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, घूरना सेक्सुअल हैरेसमेंट है. अगर घूरना सेक्सुअल हैरेसमेंट है तो हमारे देश के आधे पुरुष अभी तक वाकई में कल्प्रिट हैं, क्योंकि हमने तो नहीं सीखा, ना महिलाओं ने सीखा, ना आदमियों ने सीखा. सिर्फ जब आप दूसरे देश जाते हैं एंड सडनली द वुमेन रियलाइज, कोई भी घूर नहीं रहा है, एम आई नॉट लुकिंग गुड, दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट ओ दिस इज नॉट लीगल, ये कानून में गलत माना जाता है, गैर कानूनी है किसी भी महिला को घूरना. सेक्सुअल असॉल्ट या वायलेंस वहाँ से शुरू होती है. तो ये समझना कि मैंने कैसे छू दिया, ये मेरा सी सेक्सुअल वायलेंस है, या मैंने आपको मॉलेस्ट किया, यही सेक्सुअल वायलेंस है. और पुलिस का भी ये समझना कि कहाँ से सेक्सुअल वायलेंस शुरू होती है और कहाँ जाके पनिशमेंट ठहरनी चाहिए, ये बहुत लंबा चैप्टर है. और मुझे लगता है आज से 10 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, पर अभी भी मुश्किल है, शुरू हुआ नहीं है. क्योंकि आज भी वो जो ICC है, जो कि ऑफिस में बैठती है, और वो एक महिला के लिए व्हाट यू से अननेसेसरी सॉफ्ट कॉर्नर को भी सेक्सुअल हैरेसमेंट मान के चलती है, जब इस केस में ऑफिस कुछ नहीं करता और वो पुलिस के पास जाती है, तो पुलिस डज नॉट नो व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, एंड पुलिस कम्स बैक टू द ICC एंड सेज प्लीज गिव मी योर रिपोर्ट, ओनली देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, एंड देयर इज सो मच स्कोप फॉर ब्राइबरी देयर. सो मी टू, आई डोंट नो वेयर वाज इट स्टार्टिंग, डेफिनेटली यू नो आई वाज आल्सो फीलिंग दैट द मी टू महिलाएं 10-10 साल के बाद आ रही हैं, कैसे ये इन्वेस्टिगेट होगा, कैसे प्रूव होगा. तो ऑफकोर्स वो डिफेमेशन के केसेस निकल रहे हैं बाहर, लेकिन जब आप सोच के देखें तो आज से 10-15 साल पहले तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस लॉ भी नहीं था. तो वो अगर किसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी काम कर रही थी तो वो कहाँ जाके किसको बोलती कि कोई मेरे लिए इस तरह की बातें कर रहा है, या मुझ पर ऐसी नज़र रख रहा है, या मुझसे ऐसी मांग कर रहा है. तो ये 10 साल के बाद उसका आकर मीटू में बोलना शायद बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह के मंच और बने और हम और आवाज़ उठाएं. और रही डिसेबिलिटी की बात,
एक महिला जिसे नज़र नहीं आता उसकी तरफ यदि घर में या हॉस्टल में भी कोई बिना कहे कुछ भी हाथ बढ़ाता है और किसी तरह की भी हरकत करता है, तो उसके लिए एक बहुत मुश्किल है ये समझना कि ये कौन है, और एक अनजानी स्पेस में तो जस्ट इमेजिन द डेंजर दैट शी इज इन। दूसरी बात, जब वो पुलिस के पास जाए और बताए कि मेरे साथ ऐसा किसी ने किया है, तो हाउ डज शी प्रूव इट कि ऐसा किसने किया है। आई हैव सो मैनी केसेस टू साइट, बट मैं यहाँ सिर्फ दो या तीन केसेस के बारे में बात करके कुछ प्रश्न ऐसे छोड़ना चाहूँगी जिसके बारे में हम वाकई कुछ कर पाए। बहुत सारे लोगों ने बोला घरों से ही ये बात शुरू होती है, बिल्कुल सही बात है, और ब्लाइंड लड़कियों के लिए घर पे ही ख़त्म भी हो जाती है, बिकॉज बहुत सारी तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, वो कहाँ जाएँ, वो कहाँ जाएंगी घरों से बाहर। ऐसे कितने सेंटर्स हैं, डू यू नो, आई मीन ब्लाइंड वुमेन कॉन्स्टिट्यूट द बिगेस्ट डिसेबिलिटी ग्रुप इन द वर्ल्ड, इन इंडिया। ब्लाइंड वुमेन इन इंडिया आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटी एंड वुमेन इन द वर्ल्ड, वी टॉकिंग अबाउट मे बी 20-30 मिलियंस, इतनी तो पॉपुलेशन नहीं होती है बहुत देशों की। और कितने सेंटर्स हैं जो ब्लाइंड वुमेन के लिए चलते हैं, स्कूली और वोकेशनल ट्रेनिंग के लेवल पे, या फिर केवल शेल्टर होम्स के तौर पे। द नंबर वुड बी नॉट मोर देन 200 विद अ कैपेसिटी ऑफ एन एवरेज 40 एंड एट द मोस्ट द स्कूल इंस्टीट्यूशंस गोइंग टू से अबाउट 100। बहुत सारे सवाल हैं फील्ड में, क्यों नहीं आते, बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं और क्यों नहीं ऐसे शेल्टर होम्स खुलते, ऐसे हॉस्टल्स क्यों नहीं खुलते। सो आई डोंट थिंक वन प्लेटफॉर्म इज अनफ टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, एंड आई डोंट थिंक शेल्टर होम्स आर एन आंसर। हाउ मेनी शेल्टर होम्स आर वी गोइंग टू क्रिएट एट द एंड ऑफ द डे, वेयर एवरी मैन हैज़ टू बी एजुकेटेड दैट स्टेयरिंग इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। हाउ मेनी शेल्टर होम्स आर वी टॉकिंग अबाउट। मेरी प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ पे ब्लाइंड लड़कियाँ, जो कि बहुत सारी अपने अपने घरों में गुजरती हैं, अपने फादर के थ्रू सेक्सुअल हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट रेप्स एंड मोलेस्टेशन, अपना मौसा, अपना ताया जी, और तो और रिसेंटली मेरे सुनने में आया कि जो भी गार्डियन उसका फिनेंशियल असिस्टेंस दे रहा होता है उसको आगे पढ़ने के लिए, ही वॉन्ट्स दैट फेवर। उसको छोड़ने गया इंस्टीट्यूशन तक, ऑफकोर्स उसको इमोशनल सपोर्ट देता है, तो इमोशनल सपोर्ट ऐसी महिलाओं को बहुत अच्छी लगती है जिन्हें मिल ही नहीं रही है, जिन्होंने कभी ये समझा ही नहीं कि प्यार से बात कोई कैसे करता है, तो मुझे कैसा लगता है। तो जब वो बड़ी हो रही होती है और एक पुरुष उसके साथ प्यार से बात करता है, हर हार्मोन्स रिस्पॉन्ड अ लिटल डिफरेंटली एंड शी डज नॉट डिसर्न इमिजिएटली कि ये बुरा टच है या अच्छा टच है, ये बुरी बातचीत है, ये बुरा प्यार है, ये अच्छा प्यार है। और जब वो अपनी माँ को वापस जाके कहती है कि ये मौसा मुझसे ये चाहता है, ये मुझसे ऐसी बातें करता है, पहली बात तो माँ ऑफ कोर्स गुस्सा करती है, जैसे मुझे भी करती होगी मेरे बचपन में, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या बोल रही हो, देन शी थिंक्स अबाउट इट। आजकल की हवा ऐसी है कि माँ ज़रूर सोचती है, ज़रूर हो रहा होगा, एंड देन शी सेज़ अगर मैंने उसको मना कर दिया घर पे आने को तो तुम्हारी पढ़ाई के पैसे कहाँ से आएंगे। एंड देन शी कंटिन्यूज फॉर ईयर्स टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस कि अगर मैं घर छोड़ती हूँ तो मैं कहाँ जाती हूँ, सेम सवाल। और ये जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं पढ़ने के, ये कहाँ से आएंगे, फिर मैं वो कहाँ से लाऊंगी। And this is the same question that goes for parents, for uncles of all sorts. और भी जो एक मेरे लिए बहुत संगीन बात बार बार मेरे सामने आई है कि एक घर में डिसेबिलिटी ज़्यादातर या बहुत बार अकेले नहीं आती, ऑफकोर्स पावर्टी तो है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल वो एक बिटिया डिसेबल्ड है या ब्लाइंड है या whatever could be the disability. तो मैंने बहुत बार देखा कि उस लड़की के घर में शायद माँ को भी डिसेबिलिटी है किसी तरह की, तो माँ को डेफनेस हो सकती है, माँ को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, माँ को किसी और ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी भी हो सकती है,
क्योंकि बहुत बार ब्लाइंडनेस जेनेटिक भी आती है, बहुत सारी डिसेबिलिटीज जेनेटिक आती है. तो जब माँ को भी डिसेबिलिटी है और फादर इज नॉट सेक्सुअली सेटिस्फाइड विद द मदर बिकॉज ऑफ वट एवर सर्कमस्टांसिस ऑफ हर बॉडी एंड हर माइंड, एंड दिस हैपन्स इन मैनी होम्स इन इंडिया एंड नॉट ओनली विद अ डिसेबल्ड गर्ल, ही टेक्स इट आउट ऑन द चाइल्ड. He takes it out on the girl child. And this disabled girl child is a very easy pawn. She's a very easy pawn. He feels, ye kahan jayegi? Isse kahan jana hai? He does it once, he does it twice. And the third time when she starts saying a no, he uses violence also. Now the girl comes to a center and she doesn't want to go back. That's how I know the stories. Because they don't want to go back. I don't have a place which can have women forever. Nobody has that place which can have women forever. I mean, I need to give that service to other people also, right? When she tells you, I don't want to go back, of course you want to know. And now inadvertently, I start asking that question in the first, second round, any sexual problem at home. Pehle mujhe achha nahi lagta tha poochne mein. Then she tells me, I tell her, let's go to the police. Main ek institution se jaungi na, police sunegi. Police ko main apne aap dekhungi ke kaise wo kaam karti hai. And she says, मैं तो चली जाऊंगी, मैं अपने फादर को पनिश भी करा लूंगी. Who's going to take care of my mother? How is my mother going to survive in that house? And now I'm listening to these stories very often. Now when I'm saying it, I'm getting tears in my eyes because I don't like even talking about this. I've been continuously thinking, इसका क्या कर सकती हूँ मैं? So you know the kind of jo maine karna shuru kiya, I would call the father without telling the daughter, I would call the father to the center. And I have to give him the fear of not the police. Ladki ko main center se bahar nikal dungi. Agar aapne uske saath aisa kiya to main usko center, ab wo bahut bada dar hai ki are isko bahar nikal dengi, main kaise khilaunga ghar mein kya karegi, kisi se baat kar legi, kisi ko bata degi. And then I slowly brought the topic that I've been hearing some problems and dare you do this again. I'm going to get you behind the jail and you will suffer and your reputation suffers and your government job suffers. You have to deal with each case in a different manner depending on the circumstances that you are in. But my hassle is, and it's happening in so many homes, now I can actually put the mic to a lot of recorded messages that I get almost every second day from some girl in Panipat or Sonipat or Mumbai, because they all know that I hold a center for blind women. Horrible story is that there is no other center for blind women in the country. And when I tell them, come out of the house, we will help you, we'll try getting you a job. And she says, I have a child also, ma'am. My father is doing this to me. I acquired the disability much late. बच्चा हो गया था तो डिसेबिलिटी आई है, वापस अपने फादर के घर आ गई बिकॉज हस्बैंड ने छोड़ दिया मुझे जब मैं ब्लाइंड हो गई. ब्लाइंडनेस बहुत लोगों को 17-18 के बाद आती है बिकॉज ऑफ द रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, एंड इट्स अ वेरी सैड फैक्ट ऑफ लाइफ कि वो अटैक ही 16 साल के बाद करती है और बहुत सारी महिलाएँ बहुत जल्दी जल्दी ब्लाइंड हो जाती हैं. आई एम श्योर योर डिसेबिलिटीज के साथ भी कुछ ना कुछ तरीके से होता होगा. आई नो अबाउट ब्लाइंडनेस, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. एंड She doesn't want to leave the father's house क्योंकि अब उसके साथ बच्चा भी है ना. Your rights, you should be financially independent. That's a huge freedom that has come to the country, to the countries and women all over the world. Financially independent होना एक बहुत बड़ी independence है. When you are able to break many shackles, I'm sure not all. मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसे क्राइम्स घर घर में एल्डरली के साथ शुरू हुए थे, ओल्ड एज के साथ शुरू हुए थे, तो भी सरकार ने एक तरीका निकाला था, नेबरहुड वॉच स्कीम, वेयर देयर वॉज एंटिल डेट द पुलिस ट्राइज टू गेट टू नो अबाउट ईच ओल्ड इंडिविजुअल इन ईच हाउस. एटलीस्ट इन अर्बन सिटीज दिस हैपन्स, आई डोंट नो अबाउट द स्मॉल टाउन्स. सो दे गेट टू अंडरस्टैंड कि इस घर में ओल्ड लोग रहते हैं या ओल्ड महिला सिंगल रहती हैं या ओल्ड व्यक्ति रहता है,
और वो एक चेक रखते हैं सोसाइटीज़ के थ्रू या नेबरहुड वॉच स्कीम के थ्रू, मे बी फॉर ईच डिजेबल्ड वूमन दैट हैज़ टू हैव. एक ब्लाइंड लड़की अपने घर का दरवाज़ा भी तब ढूंढेगी जब उसको कोई हाथ लगा के बताता है कि यहाँ से बाहर जाना है. वो पुलिस के पास कैसे पहुँचेगी, कैसे जाएगी? उसको लेन नहीं मालूम है, अगर उसने कभी पढ़ाई नहीं की है तो GPS तो ऑफ कोर्स उसको आता नहीं है ढूंढना. कैसे, कैन यू इमेजिन हाउ, जिस जो लड़की नोट नहीं पहचान सकती अपने आप, वो पुलिस का दरवाज़ा कैसे ढूंढती है? आई टेल यू अ रेप केस ऑफ अ ब्लाइंड गर्ल इन अ हॉस्टल फॉर ब्लाइंड बॉयज इन दिल्ली. सो दे हैव बॉयफ्रेंड्स एंड आई डोंट से अ नो. दिस गर्ल वॉज सेंट इन माई सेंटर एंड आफ्टर दे लर्न मोबिलिटी we allow them to go out on their own because they have to learn to go out, they have to learn to go out to the work also. But, and we always tell them, I will never say a no to a relationship, please keep me in loop, or your teacher, who are you meeting, what is happening? I guess, and she felt this man was sighted because of the way he was talking and walking around. And after that, she fought her way. She told me they were planning for other men to come in the room. She fought her way, she came out, and somebody was actually taking her name. People knew that she is the one to come into that hostel that day. And she came out and she asked somebody, can you please get me an auto? On the road, the person got her an auto and she told him, hos khas jana hai. Raste mein usne pucha ki kaun si jagah hai. And then the person told her the place she was at, and she got to know she went that far. She did not know where she was. She reached the center, and thankfully in the evening she came to us and she spoke about all this, and I took her to the police station. This was about 5 years back, and I did not know that you could call the police home to file an FIR. Not many women know till date that you can call the police home to file an FIR or to kind of give the first report. And we went to the police station at her cars, and the police woman took all her lifetime to note, and then she said, oh, so this did not happen in her cars. I said, no, this happened in some other hostel. We knew the hostel by that time. She said, you will have to go back to that place to lodge an FIR. Now, if I was not with this girl, and this girl would have gone alone, a blind girl, would she know again to go back to that region's police station to lodge an FIR? There have to be other ways. And I'm sure police can figure it out. I have lodged about 5 cases with the Chief Commissioner of Disabilities, not for sexual violence, but for discrimination against blind women in a working women hostel, in an employment or whatever. And I am very proud to say all of them have found justice. So that means if you know how to use the law, you can use it. So there have to be workshops to teach people how to use the law, where to write, what to do, what kind of a letter could be written to actually bring the point home. Does everybody know how much part evidence plays, and does everybody know what counts as evidence? No, not many people know. Not many people know this. So while we are talking about laws, we all know India has so many laws and constitution is rich here, but we don't know how to use the laws, and we have to enrich ourselves and empower ourselves how to use laws and how to write notes and how to really seek the powers that are available. Leave aside which are not available. Let's first go to seek the powers that are available. So I would really seek support here and help from the people who are available here, from the national platforms, to please start, let's start a dialogue with our Commission for Women or police or the local governments to start some kind of a neighborhood watch scheme where they will at least know that there are disabled women in my colony. How many would there be? How difficult would it be to figure out? I'm through. How difficult would it be to figure out how many disabled women are there in this much colony where one police jurisdiction is there? To my mind, that's a good way. And I would love to know more ways as to how to reach into the houses where they are staying, because they cannot come out of those.
वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाती है, तो घरों तक कैसे पहुँचा जाए? क्या एक बीट कांस्टेबल ये हर महीने का एक राउंड नहीं लगा सकती, उससे अलग बात करने का एक रूल नहीं रख सकती कि मैं इससे अलग बात करूँगी, तुम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब ठीक है, जहाँ वो ये शेयर कर सकती है उसके साथ घर में क्या हो रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू ओपन अ पैंडोरास बॉक्स जहाँ पे पिता कर रहा है फिर वो जाके भाई को बोलती है तो भाई बोलता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कौन सा शादी करनी है, तुम्हें कोई मुश्किल है, इफ़ योर फादर इज रेपिंग यू एंड चलो मैं भी करता हूँ। यस दैट्स द हाउस, दैट्स अ पुअर हाउस इन ईच कॉलोनी ऑफ दिस कंट्री एंड डिजेबल वुमेन आर वुमेन फर्स्ट। वो खुद को महिला समझे ना समझे और उसको समाज महिला समझे ना समझे उस नज़र से कि उसके लिए फूड और शेल्टर केवल एक नीड नहीं है, वो सोचता है कि सिर्फ फूड और शेल्टर उसकी प्राइमरी नीड है, लेकिन क्या सबकी ये प्राइमरी नीड है? तो फिर वो कैसे बदल जाती है? सो आई डू फील वी हैव टू हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर वेज, स्मॉलर वेज एंड देन लॉन्ग टर्म वेज। अदरवाइज हम लॉन्ग टर्म सोचते रह जाते हैं लेकिन वो जो शॉर्ट टर्म है वो कभी हो नहीं पाता है और घरों के अंदर जो वायलेंस है उस तक हम पहुंच नहीं पाते। सो दैट्स वेयर आई वांट टू फिनिश। थैंक्स सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।